यहाँ से गला सूख रही है और बहुत गर्मी भी है। ए, कहाँ? कचरा लेने। अरे भाई इस घर में जाना भी मत। क्यों? कौन है, क्या हुआ? मैडम कचरे वाले हैं, वो कचरा लेने आए थे। हाँ अंदर किचन में रखा है डब्बा, उसको ले जाओ खाली करके वापस अंदर वहीं रख देना, ठीक है? अरे मैडम आप ही उठा कर दे दीजिए, हम खाली करके डब्बा यहीं रख जाएंगे। समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। डस्टबिन उठा, खाली कर, वापस लाके अंदर रख और जा। आप डब्बा बाहर ही रख दिया करिए, उससे ना आपको परेशानी होगी ना हमें। परेशानी हो तुझे? अंदर से कचरा लाने में परेशानी हो रही है तुझे? है कौन तू? कचरे वाला है ना, तो औकात मेरे अपनी। वैसे मैडम कचरे वाले हम नहीं, कचरे वाले तो आप हैं। आप कचरा फैलाते हैं और हम उसे साफ करते हैं। वैसे सफाई कर्मचारी हैं हम, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं मैडम, फिर कॉलेज, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अस्पताल, हर जगह का कचरा हम उठाते हैं। आप लोग जो गंदगी फैलाते हैं उसे हम साफ करते हैं मैडम। वैसे मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि इस घर में मत जा कचरा लेने, लेकिन हमने उसे मना कर दिया कि मैंने कहा दिक्कत क्या है, पता तो चले। दिक्कत तो है मैडम, दिक्कत तो है। इज्जत, सम्मान, प्रेम कुछ नहीं है आप लोगों के दिल में हमारे। जब कोरोना काल आया था तो हमें योद्धा बना दिया, माथे पे तिलक लगाया, फूलों की बारिश की, और जब कोरोना चला गया तो फिर सब भूल गए हैं। वैसे औकात तो है हमारी। आप लोग कचरा फैलाते हैं और हम उसी कचरे को साफ करते हैं। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, अपने देश से ये वादा कर लिया हमने। मैडम जी हमारा देश तो तभी साफ होगा जब स्वच्छता में सबका हाथ होगा। आ गए, मना किया था ना मत जाओ। इस घर में 75 बार गया हूं मैं, और इस घर में औरत रहती है ना। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भैया।